आज क्लास 10 का हिंदी विषय का एक जो क्षितिज भाग एक भाग है पावखंड, उसका प्रथम अध्याय में का एक सूरदास का जीवन करके पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पावखंड के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले पावखंड के अंतर्गत सूरदास का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। पहले सूरदास बासल रस के प्रधान सूर सम्राट सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक। बासल रस में सुनता भक्ति भावना से पूर्ण रूप से बोध हो, उसमें सूर सम्राट यानी सूर के जादूगर भक्ति काल के समय के प्रमुख कवियों में इनका प्रथम स्थान रहता है, जो कृष्ण के अनंत भक्त जैसे मीरा रैदास उसी जैसे अनंत भक्तों में से एक है सूरदास। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म 1478 ईस्वी में रेणुका में मानते हैं, जो दिल्ली के निकट एक सीर नामक गांव के अंतर्गत आता है, जो 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। संसार से विरक्त होकर यानी संसार को उन्होंने जो भौतिक वस्तुओं का उन्होंने परित्याग कर करके संन्यास की भावना को लेकर के उन्होंने विरक्त होकर के मथुरा एवं यमुना के गौ घाट पर रहते थे। मथुरा और यमुना के घाट पर रहते थे जिसका नाम गौ था। उनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य था, यानी बल्लभाचार्य के संरक्षण में रहकर के ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। वे कृष्ण की लीला पदों में रचना की, कृष्ण की जो लीला थी उसको उन्होंने पदों में रचना किया, पद के माध्यम से रचना किया कृष्ण की लीलाओं का। सन 1583 ईस्वी में पार्श्वी में उनका निधन हो गया, यानी जन्म 1478 और मृत्यु 1583। तो वात्सल्य रस के प्रमुख कवियों में सूरदास जो श्री कृष्ण के अनंत भक्तों में से एक थे, उनके पद दिए गए हैं। अब उनकी रचनाएं जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सुर सागर है, सुरसावली है एवं साहित्य लली, ये तीन जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सुर सागर, जिसमें कुल मिलाकर के सुर सागर में 1107 पद, यानी तीनों पुस्तकों में अगर कहा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ सुर सागर है। उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है कृष्ण की लीलाओं का, जिसको 1107 पदों में विभक्त किया है माने गए। और कुल मिलाकर उनके अगर कृष्ण के पद अगर कहा जाए कृष्ण लीलाओं का, तो कुल मिलाकर 4936 पद उपलब्ध है। ऐसे तो 1,25,000 पद थे, लेकिन उपलब्ध में 4936 पद ही उनके सूरदास का उपलब्ध है। उनकी जो भाषा शैली है कैसी भाषा शैली है, तो सूरदास की भाषा शैली सरल सहज एवं ब्रज भाषा है। वे श्रेष्ठ कवि एवं उच्च कोटि के गायक थे, अच्छा सुर था इसलिए सुर सम्राट ने कहा जाता था, अच्छी आवाज निकलती थी, तो एक गायक भी थे, न कवि बल्कि एक गायक भी, कुशल साहित्यकार भी थे। उनके साहित्य में कौन-कौन से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अश्लेष अलंकार पाए जाते हैं, यानी उनके जो साहित्य है ये सारे अलंकार उन्हें पाए जाते हैं। अब उनके हम काव्य जीवन परिचय हो गया, उनके काव्य खंड का कुछ पद लेते हैं, इसके बाद में उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो इसमें काव्य खंड में सूरदास के पद दिए गए हैं, इसमें देखना है, पहले देखते हैं पढ़ करके। उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाही मन अनुराग, पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी बुंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पांव न बोरयो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अगला हम भोरी गुर जाटी ज्यो पागी।
चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तकात नाहीन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पांव न बोयो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अवलाह भोरी गुर चाटी जो पा। बहुत ही सुंदर मनोरम पद दिया गया है सूरदास का, जो भगवान कृष्ण के कृष्ण लीलाओं का उन्होंने पद के माध्यम से दिया है। इन्होंने बताया है प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास ने बताया है कि हे, इसमें बताया कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं तो गोपियां जिज्ञासु हो जाती है कि क्या संदेश भगवान कृष्ण ने दिया है। बहुत लालायित होती हैं, उनके अंदर उत्तेजना आता है। जब इस संदेश को सुनते हैं गोपी लोग गोपियों लोग, तब उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम अति बड़भागी हो, प्रशंसा के पात्र हो। अपरस रहत स्नेह तकात नाही मन अनुरागी। अपरस मिस होता है विरक्त होना, अपरस मिस होता अनासक्त, यानी किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं, कोई कितना भी प्रेम का मरहम लगाए लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं अपरस। तो अपरस रहत स्नेह तकात नाही मन अनुरागी, तुम कृष्ण के इतने नजदीक हो, इतने नजदीक हो, फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग नहीं, कोई प्रेम नहीं है, इसलिए तुम बड़े बड़भागी हो। पूरी इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, यानी ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकार तालाब में कमल का फूल के पत्ते के ऊपर जल नहीं रुकता है, उसी प्रकार से तुम कृष्ण के समीप रहकर के भी तुम्हें प्रेम का कोई भी रस नहीं है, प्रेम का कोई भी चाव नहीं है, यानी प्रेम से तुम क्या हो, विरक्त हो। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, अगर कोई गागर है गगरी है जल में है, तेल की गगरी है तो उस पर जल नहीं रुकती, तेल की कोई गगरी है और जल में है तो बूंद जो है उस पर तेल पे जल की बूंदे नहीं रुकती, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पांव न पोरो दृष्टि न रूप परास, इतने नजदीक रह करके भी तुम श्री कृष्ण से प्रीति नहीं करते हो, ये बहुत बड़े बड़भाग की बात है, आश्चर्य की बात है कि तुम श्री कृष्ण के नजदीक रह करके भी तुम्हारी कभी उस पर दृष्टि नहीं गई, भगवान कृष्ण के ऊपर में कभी दृष्टि नहीं गई, तुमने कृष्ण के मुखारविंद को देखा नहीं, ये कैसी विडंबना है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पाकी, हम तो क्या है अबला है, असहाय नारी है, हम तो कृष्ण के मुखारविंद को जपते रहते हैं, श्री कृष्ण को हर समय दर्शन के लिए लालायित, कहीं से श्री कृष्ण आ मिलते नजर आते उनकी दृष्टि पड़ती, और तुम तो श्री कृष्ण के नजदीक, तो हम जैसी अबलाएं श्री कृष्ण के विरह में नहीं रह सकते हैं, विरह नहीं सही जा सकती है, कि उसी प्रकार की जिस प्रकार गुड़ में चिट्टी अपने आप आ जाती है, उसको निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, गुड़ में चिट्टी सड़ जाती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से विरह होकर के एक पर नहीं रह सकते हो। तुम भले ही विरक्त हो, अनुराग नहीं है श्री कृष्ण के प्रति, लेकिन हम अबलाएं जो असहाय जो गोपी लोग हैं, हम श्री कृष्ण से एक पल भी दूर होकर के नहीं रह सकते। अब ये तो पहला पद है, और दूसरा पद में मैं अगले अध्याय में बताऊंगा। थैंक्स।